हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पुणे के एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि एक पुणे में समस्या बनी रहती है कि जो एयरपोर्ट है वो भी एयरफोर्स का एयरपोर्ट है और काफ़ी अरसे से, मतलब बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। पहले चाकन में एयरपोर्ट आने वाला था, चाकन से शिफ्ट हो गया, अभी पुरंदर में ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है, फंड्स भी सॉर्टेड आउट हो चुके हैं और बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है पुणे एयरपोर्ट के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पुरंदर में एग्जैक्टली एयरपोर्ट कहाँ आने वाला है, इसके बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कहती है, और हमारे जो नए मंत्री हैं मुरलीधर मोहोल जी वो क्या कहते हैं, ये सब अपन आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। तो मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन्स पे और चलते हैं डायरेक्टली, देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और एयरपोर्ट का कैसा लुक होने वाला है। तो दोस्तों, ये आ चुका हूँ मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की साइट पे, लोकेशन ऑफ प्रपोज साइट ऑफ न्यू एयरपोर्ट एट पुणे पुरंदर। तो इस तरह का कुछ एयरपोर्ट बनेगा वहां पे। एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट पुणे लोहेगांव ऑलरेडी ओवर सेचुरेटेड, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो काफी सेचुरेट हो चुका है। तो नया एयरपोर्ट ये प्रपोज है, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान नियर पुणे पुरंदर, प्लान कैपेसिटी 75 MPPA, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट थ्रू पीपीपी पब्लिक पार्टनरशिप के बेसिस पे ये पूरा होने वाला है। टू पैरेलल ऑफ 4000 × 60 meters की जो जिनको हवाई पट्टी बोलते हैं वो बनने वाली है। अप्रोन टू पार्क ओवर 100 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। कार्गो टर्मिनल विथ मॉडर्न फैसिलिटी, MRO एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिविटी बाय रोड रेल, प्रपोज मेट्रो भी वहां तक लेके जाएंगे। स्पेशल एयरपोर्ट व्हीकल पुणे पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑफ सिडको MADC नोडल एजेंसी, MIDC, PMRDA एस फॉर्म। तो ये सब सब सारी अथॉरिटीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम प्लान फॉर एन एरिया ऑफ 2832 हेक्टर फॉर प्रपोज एयरपोर्ट लैंड इन एन एडवांस स्टेज, जो पूरा लैंड है वो एडवांस स्टेज में आ चुका है। तो ये लोकेशन, थोड़ा लोकेशन से पर्सनली मैं डिसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पुरंदर इज समथिंग की इस साइड आ जाता है, सतारा के साइड आ जाता है, जहां से इतना क्राउड मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली आएगा। ये साइड जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने अगर मुंबई के साइड रखा होता तो काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स आता था एयरपोर्ट को भी। ये साइड थोड़ा इस साइड रखे, मतलब आप पकड़ सकते हैं कि सतारा और उस साइड रख के या हड़पसर साइड रख के, क्योंकि उस साइड ऐसा कोई बड़ा मेगा सिटी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा, मैं साइड को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। हाँ, अगर चाकन में होता था तो मुंबई के लोग भी आ सकते थे, मुंबई से भी एक कनेक्टिविटी होती थी तो एयरपोर्ट को एक अच्छा प्रतिसाद मिलता था। बट स्टिल ठीक है, एयरपोर्ट तो आ रहा है जो कि एक अच्छी बात है। आप और अच्छी बात ये, आप इस साइड पे आएंगे तो आपका कर्सर भी एक एरोप्लेन की तरह हो जाएगा, जो ये साइड आप देख रहे हैं MADCIndia.org, और ये QR कोड है, ये QR कोड आप स्कैन करेंगे जो अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, तो इससे आप डायरेक्टली इनके ब्रोशर पे भी आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें महाराष्ट्र के सारे एयरपोर्ट्स की डिटेल दी हुई है, और सबसे पहले हम लोग तो पुरंदर एयरपोर्ट में इंटरेस्टेड है। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड MADC, अ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, वी डेवलपिंग ग्राउंड एमिंग द स्काई। तो इस तरह से अवर प्रोजेक्ट, इनका नागपुर का एयरपोर्ट बन चुका है, शिरडी का एयरपोर्ट बन चुका है, SEZ का एक नागपुर का एयरपोर्ट है, और अपकमिंग एयरपोर्ट्स में इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है पुणे पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी ऐसा तो लग रहा है कि भाई अभी एयरपोर्ट बनने ही वाला है, क्योंकि साइट्स पे भी क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया है, और लैंड्स का भी उन्होंने बताया कि ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है। बाकी ये सारे एयरपोर्ट जो उन्होंने डेवलप किए हुए हैं महाराष्ट्र में उनकी डिटेल से, और उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये ब्रोशर मैंने जो डाउनलोड किया उसका मैंने आपको एक ब्रीफ भी दिया। बाकी अभी चलते हैं एग्जैक्ट साइट पे। तो ये एग्जैक्ट साइट होने वाली है, ये आप जो देखे पैरागांव मेमाने
जो साइट है, और ये जो आप देख रहे हैं छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल, किसी ने टैग किया हुआ है, तो ये पूरा एयरपोर्ट का साइट होने वाला है। और इसका मैंने डिस्टेंस भी देखा कि कितना डिस्टेंस लगेगा, शिवाजी नगर से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर मैं टाइम वाइज देखूं तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है ये एयरपोर्ट को पुणे की पब्लिक ही कैटर करने वाली है, मुंबई से तो लोग आएंगे नहीं। और इनफैक्ट मैंने डिस्टेंस निकाला, नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, उसका डिस्टेंस ही होने वाला है ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होने वाला है वाकड़ से या जो भी पुणे के मेन पॉइंट से। तो कहने का मतलब ये है कि पुरंदर में एयरपोर्ट आ भी रहा है तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि पुरंदर में एयरपोर्ट आ रहा है तो जमीन के भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इतने ज्यादा भाव नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यू नीड टू सी द डिस्टेंस। पब्लिक कहाँ से आएगी? मुंबई की पब्लिक तो इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दे ऑल्सो नीड द कनेक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं वाकड़ में बैठा हूँ, हिंजेवाड़ी में बैठा हूँ, शिवाजी नगर में बैठा हूँ, इफ आई वॉन्ट टू बुक द फ्लाइट आई विल लुक फॉर द नवी मुंबई इंटरनेशनल है, क्योंकि टाइम उतना ही लग रहा है और फैसिलिटीज वहां पे बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नवी मुंबई का। तो ये मैंने आपको डिस्टेंस भी दिखा दिया है। और एग्जैक्टली अभी हम लोग चलते हैं कि अभी पारगांव मेमाने जहां पे एयरपोर्ट आ रहा है तो वहां की क्या स्थिति है। तो अभी इस तरह से कुछ एरिया दिख रहा है और यहीं पे एयरपोर्ट आने वाला है। अब यहाँ से रोड वगैरह तो बन चुके हैं और एयरपोर्ट आने के बाद ऑफकोर्स डेवलपमेंट भी होगा, बट कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट की कैपेसिटी को देख के, एयरपोर्ट की लोकेशन को देख के, आई एम नॉट टू बुलिश। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि जमीनों के रेट उतने ज्यादा बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस साइड इन्वेस्ट करते हैं, नवी मुंबई साइड, खपोली साइड या ओवरऑल वेस्ट पुणे साइड, इस साइड प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है और बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज होने वाली है। बाकी अभी देखते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन मुरलीधर मोहोल, ऑन संडे रिव्यू वेरियस पेंडिंग वर्क इश्यूज एट द पुणे एयरपोर्ट, सेड दैट 60% ऑफ द फाइनेंस विल कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, ये पब्लिक पार्टनरशिप के बेसिस पे होने वाला है, मतलब बहुत सारी अथॉरिटी इसमें फंडिंग करने वाली है। 60% स्टेट देने वाला है, 20% पीएमसी देने वाला है, 10% पीसीएमसी देगा एंड पीएमआरडी देगा। तो ये तीनों की इन्वेस्टमेंट से ये एयरपोर्ट बनेगा। मोहल सेड दैट वी विल मीट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड नेक्स्ट वीक रिगार्डिंग वन ऑफ द परमिशन नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन ऑफ पुणे एयरपोर्ट रनवे। वो रनवे को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फंड फॉर द एक्विजिशन ऑफ 35 एकर्स ऑफ लैंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पुणे एयरपोर्ट रनवे विल बी ज्वाइंटली रेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग द पीएमसी, पीसीएमसी, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल ऑफिस। तो दोस्तों अभी भी एक्विजिशन का दौर चालू है, डिस्कशन चालू है। अभी पहले ये केंद्र के मंत्रालय तक चीजें जाएंगी, फिर आएंगी, तो इट इज गोइंग टू टेक द टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। एयरक्राफ्ट डेट्स सफर्ड ट्रक ट्रैक्टर एक्सीडेंट, ये थोड़ा अलग न्यूज है। एयरपोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द ओरिजिनल साइट ऑफ पुरंदर, तो एटलीस्ट ये तो फिक्स हो गया है कि ओरिजिनल साइट पे कंस्ट्रक्शन होगा। द इश्यू ऑफ द एयरपोर्ट एट पुरंदर हैज बीन पेंडिंग फॉर मेनी ईयर, इट हैज बीन डिस्कस मेनी टाइम दैट इट विल नॉट बी एन एयरपोर्ट। नाउ द न्यूली अपॉइंटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द सिविल एविएशन मुरलीधर माहौल हैज गिवन क्लियरिटी ऑन द इशू। माहौल इन्फॉर्म दैट द प्रपोज एयरपोर्ट इन पुरंदर विल बी बिल्ड ऑन द ओरिजिनल साइट, इट हैज रिसीव द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो सिविल एविएशन के डायरेक्टोरेट है उनका अप्रूवल मिल चुका है। द मीटिंग ऑफ द ऑल एजेंसी इंक्लूडिंग डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो अभी भी डिस्कशन चालू है, अप्रूवल्स कुछ मिल चुके हैं, कुछ पेंडिंग से ऐसा दिख रहा है न्यूज के हिसाब से। और ये एग्जैक्टली मैंने आपको न्यूज बताई और मैंने आपको वो भी दिखाया कि एग्जैक्टली अभी ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट है जो कि ऑलमोस्ट बन भी चुका है, और इससे पुणे की पब्लिक को बहुत फायदा होने वाला है। पुरंदर का एयरपोर्ट और नवी मुंबई का एयरपोर्ट पुणे की मेजोरिटी लोकेशन से सेम ही डिस्टेंस है,
तो आई डोंट थिंक कि पुरंदर के एयरपोर्ट के लिए इतना हाइप होगा या इतनी ज्यादा डिमांड रहेगी एज कम्पेयर टू द नवी मुंबई. ये नवी मुंबई के एयरपोर्ट की मैं साइट से आपको दिखा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी डेवलप भी हो चुके हैं. इसके मैं आपको पूरे विजुअल्स भी दिखा देता हूँ. ये नवी मुंबई के एयरपोर्ट के विजुअल्स है. अब इसमें अगर देखेंगे गूगल अर्थ पे तो आपको पूरा क्लियरली दिखेगा कि मेजोरिटी ये काम हो चुका है. ये आप देख रहे हैं कितना ग्रैंड एयरपोर्ट बन चुका है नवी मुंबई का ऑलमोस्ट. और विद इन अ ईयर में ये एयरपोर्ट ओपन भी हो जाएगा. जबकि पनवेल और बारगांव मेमन जो पुणे का एयरपोर्ट आने वाला है वहां पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी पूरा बेयर लैंड है. तो इट इज गोइंग टू टेक मच टाइम. आप देखेंगे जो जहाँ पे ये टैग किया हुआ है अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अभी बेयर लैंड है, पूरा फार्मिंग हो रहा है. तो अभी जो पुणे एयरपोर्ट का हाइप लोग बहुत सारे डेवलपर करते हैं, एयरपोर्ट आ रहा है आप वहां पे लैंड लीजिए. तो मेरा पर्सनल सजेशन तो अभी रहेगा कि आप हड़बड़ी में अभी वहां पे लैंड मत लीजिए. बिकॉज दिस इज समथिंग की अ वेरी स्मॉलर एयरपोर्ट एज कम्पेयर टू नवी मुंबई एयरपोर्ट. एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट इज ऑलरेडी रेडी जो पुणे की पब्लिक के लिए काफी इजी है कनेक्शन कनेक्टिविटी के हिसाब से. तो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इनसाइट दे पाया हूँ ये वीडियो के माध्यम से जो अभी पूरा एयरपोर्ट का चल रहा है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस सेम होने वाला है पुरंदर के एयरपोर्ट का और नवी मुंबई के एयरपोर्ट का. और नवी मुंबई का एयरपोर्ट पहले ही रेडी हो जाएगा तो इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन पुरंदर के एयरपोर्ट के लिए आएगा नहीं आएगा आई हैव अ डाउट. एंड दैट एयरपोर्ट इज मच स्मॉलर और उसमें अभी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है बनने के लिए. तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. आप अपने व्यू शेयर कीजिए कि आपका क्या सोचना है और व्हाट यू थिंक. एंड थैंक यू अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.